नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र में रविवार को एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। शरद पवार के भतीजे और विपक्ष के नेता अजित पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए। वे अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी के 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें पवार के अलावा छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड़, अदिति तटकरे और हसन मुशरिफ शामिल है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अजित पवार के साथ राजभवन गए कुछ विधायक पटना में विपक्षी एकता बैठक के मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के शरद पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे। अजित पवार ने रविवार को मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की। इसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी। अजित पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे। उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकारी नहीं थी। बाद में जब उन्हें इसका पता लगा तो बोले अजित पवार विपक्ष के नेता है तो विधायकों की बैठक बुलाने का उन्हें अधिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार शरद पवार से नाराज चल रहे हैं। पहली बार 2 मई को जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा तो सब इस बात की संभावना थी कि अजित पवार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जब पार्टी नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के फैसले का विरोध किया तो अजित ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा, पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वे जब इस बात की जानकारी मीडिया को देने आए तो अजित पवार वहां मौजूद नहीं थे। तब इस बात की चर्चा थी कि अजित शरद पवार के फैसले से नाराज है। इसी के साथ